रिगार्डिंग एक 2 अप्रैल 12:30 बजे लगभग एक वारदात हुई। हरजीत सिंह उर्फ पेंटा नाम का एक बी कैटेगरी गैंगस्टर था, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। 2 इंजरीज थी और उसके साथ उसका एक साथी था गुरप्रीत सिंह, वो भी उसी के पिंड मारी मुस्तफ़ा के रहने वाला था, वो इंजर्ड हुआ। और जब घटना की तहकीकात की गई तो फुटेज में और बाकी चीज़ पता चला कि 2 अनआइडेंटिफाइड यूथ थे जो एक ब्लैक कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आए थे और इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। इस घटना के बाद मुकदमा FIR नंबर 53 रजिस्टर किया गया और कई सारी टीमें बनाई गई मोगा पुलिस में, हमारे SSP गुलनीत खुराना के डायरेक्शन में और उनके साथ रुपिंदर कौर भट्टी हमारे SPD और बाकी टीमें हमारी CI स्टाफ की और थानों की लगी। और काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद इस पूरी घटना का रीज़न क्या था और किसने इसको अंजाम दिया था वो निकल के आया। घटना का मेन रीज़न ये था कि जो ये मारा गया व्यक्ति है हरजीत सिंह पेंटा, ये 2017 में कुछ और गैंगस्टर्स के साथ फरीदकोट जेल में बंद था, जिसमें एक मनप्रीत उर्फ मन्नू करके है, जो गांव कुस्सा पिंड कुस्सा है यहीं पे अपना मोगा का, वहाँ के रहने वाला है। वहाँ पे इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई और जो पेंटा और अपने साथियों के साथ उसने मिलके मनु को काफ़ी कुछ मारा और काफ़ी जलील किया सबके सामने। इस बात की खैर खाए मनु बैठा था और कुछ और इंटर गैंग राइवलरी भी इसमें निकल के आई थी, क्योंकि जो पेंटा है वो एक बम्बैया ग्रुप का साथी है ये, और बम्बैया ग्रुप के लिए ये एक्सटॉर्शन मनी वसूलने का काम जो करता था। और जो मनप्रीत मनु है ये बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई और उनके साथ आजकल गोल्डी ब्रार गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग, ये तीनों एक हो रखे हैं, उनके लिए काम करता था मनप्रीत मनु। तो संभवतः इसमें इनका आपस में राइवलरी भी था, बट मुख्य कारण जो था कि इनकी पुरानी जो 2017 में इनको जलील किया था, ऐसा चीज़ें निकल के आ रहा है। इसमें मनप्रीत मनु के साथ उस दिन जो है मोटरसाइकिल चला रहा था एक प्रेम नाम का व्यक्ति, प्रेम अभी भागा हुआ है, उसके घटना की रेकी करने में एक पर्वत नाम का है जिसको हमने गिरफ्तार किया है। पर्वत और मनु ने घटना के पहले इस रेकी किया इसका घर पेंटा का, बट घटना वाले दिन एक्चुअल में जो बाइक चलाई थी वो प्रेम ने चलाई थी। स्पेंडर को इन लोग के पास से पिस्टल 2 लेज और एक ब्लैक स्पेंडर बाइक में अंजाम हुई है, वो रिकवर हुई है। 2 लोग अब तक अरेस्ट हुए हैं, पर्वत सिंह और रूपांजलि। रूपांजलि का रोल ये आया है कि जब ये घटना अंजाम दिया गया तो लॉरेंस बिश्नोई करके एक पेज आया सोशल मीडिया पे जिसने क्लेम किया इस घटना को। जब हम लोग ने इस पर काम किया हमारी मोगा पुलिस की टीम ने, तो पता चला कि एक दिल्ली में किसी व्यक्ति के ID से ये पेज बना है। और जब हमारी टीम वहाँ पे गई तो उन्होंने पिन पॉइंट किया, रूपांजलि नाम की ये महिला है जो नांगलोई दिल्ली की रहने वाली हैं, जिनका अनमोल बिश्नोई के साथ संबंध पाया गया है, उनके साथ इनकी दोस्ती पाई गई है, उसमें इनको आपस में चैट्स भी मिली हैं हम लोग को। और उसके कहने पे, अनमोल बिश्नोई कहने पे, रूपांजलि ने इस पेज को क्रिएट किया है। हालांकि इस पेज का नाम बदल के अब गोल्डी ब्रार के नाम से आने लग गया है। तो रूपांजलि का भी रोल इसमें निकल के आ रहा है, इस पूरी घटना में चीज़ें करके, तो उनका अरेस्ट किया है। बाकी अभी हम पूछताछ कर रहे फायरिंग हैं। सर मनु ने की थी फायरिंग? फायरिंग मनु ने की थी जो है, वो अभी अरेस्ट नहीं मनु है? अरेस्ट नहीं है, बट जल्दी हम लोग उसका अरेस्ट कर लेंगे, काफ़ी सारी लीड्स हम लोग को मिली हैं। जो साथ में था सर वो अरेस्ट है? साथ में जो उस दिन घटना को दिया था वो भी अरेस्ट नहीं है। प्रेम नाम का व्यक्ति जो है, प्रेम और मनु भागे हुए हैं और इन पे हम लोग लगे हैं, जल्दी इनको अरेस्ट करेंगे। तो सर इन पे पहले मुकदमा दर्ज है कोई, दोनों पर जो उन्होंने ये घटना को? मनु के ऊपर मुकदमा काफ़ी सारे दर्ज हैं और ये बेसिकली अराउंड 6 मुकदमे हैं, कुछ में ये बेल पे बाहर आया हुआ है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हत्या के मर्डर्स हैं इनके ऊपर, इसके बाद आर्म्स एक्ट के हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर है, इस सब भी स्टिल जो अरेस्ट हुए हैं और जो अरेस्ट होने बाकी हैं, ये चारों जो हैं गैंगस्टर अपना लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं सर? 3 गैंग की अफिलिएशन निकल के आ रही है सामने, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और जग्गू भगवानपुरिया, ये तीनों मिलके इनके जो आदमी हैं एक साथ काम कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन की चीज़ें निकल के आ रही हैं,
उस पर भी हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है उनके इस पे। बेअंत सिंह बेसिकली बम्बैया ग्रुप का आदमी है, क्योंकि परिवार ने जब मुकदमा दर्ज कराया था तो बेअंत सिंह को नॉमिनेट किया था, बट जब बेअंत सिंह को हम लोग प्रोडक्शन वारंट पे लाए थे तो निकल के चीजें आई कि रीजन क्या है, ये हो सकता है, तब हमने क्लियर काम किया। बेअंत सिंह का आपस में इन लोग की कहाँ सुनी हुआ करती थी जो मारा गया व्यक्ति पहनता है, बट बेअंत सिंह ने अभी तक की तफ्तीश में ये नहीं आया कि इन्होंने मरवाया है। बेअंत सिंह के ऊपर अपने मुकदमे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी जो कामयाबी और हुई है कि जब हम लोग ने इस केस में काम किया तो एक व्यक्ति और अरेस्ट हुआ है, रोहित नाम का, और रोहित के साथ उसके दो साथी धर्मप्रीत करके हैं, रेजिडेंट ऑफ चंद्रमा, इनके पास से भी एक हमें पिस्टल और 5 कार्ट्रिज मिले हैं। और ये लोग बेसिकली किसी और को मारने की प्लान कर रहे थे। रोहित जो है बेसिकली बम्बैया ग्रुप का आदमी है और रोहित बागे पुराने के रहने वाला है। सर धर्मप्रीत ने पेंटा को मारने के लिए असला सप्लाई किया था? धर्मप्रीत ने पेंटा को नहीं किया था, मैं अभी रोहित की बता देता हूँ। रोहित बेसिकली एक व्यक्ति लिंडा करके है, जो ये बिश्नोई और गोल्डी ब्रार करके है, लिंडा करके लंडी करके, उसको मारने का प्लान बनाया हुआ था। तो एक और जो मर्डर हो सकता था वो हम लोग की जो मोगा पुलिस की क्रिएटिवनेस की वजह से बच गया जो है। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि और कौन कौन इसमें शामिल है। सर एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए फिर से शॉर्ट में, कितनी अरेस्ट हुई है, कितनी जो है रिकवरी हुई है, सारा कुछ पल में बता। देखिए ये जो हरजीत सिंह पेंटा है इसके मामले में हम लोग ने अब तक 2 व्यक्ति अरेस्ट किए हैं, परबत सिंह सन ऑफ जगसीर सिंह, ये कुस्सा पिंड है मोगा का, दूसरा है रूपांजलि नाम की महिला है, ये नांगलोई दिल्ली की रहने वाली हैं, 2 ये अरेस्ट हुए हैं, 3 और नामजद हैं जिनके अरेस्ट हम लोग जल्दी कराएंगे। रिकवरी इसमें हुई है 12 बोर पिस्टल की, 2 कार्ट्रिज और ब्लैक बाइक स्प्लेंडर बाइक जो इसमें इस्तेमाल हुई थी वो इस पेंटा ग्रुप में। ये पेज चला रही थी अनमोल बिश्नोई के कंटैक्ट में परस्पर थी, इसका रोल अभी हम लोग और तफ्तीश कर रहे हैं। सर पे अरेस्ट हो चुकी है, बिल्कुल जी। कितना रिमांड मिला? 2 दिन का। दूसरा जो है जिसमें रोहित नाम के जो व्यक्ति को पकड़ा है उसमें 3 लोग अरेस्ट हैं, जिसमें FIR नंबर 55 लॉज हुई है। इसमें रोहित बूटा और थरमपी ये जो इन्होंने प्लान बनाया था किसी लंडी नाम के व्यक्ति को मारने का। किसका? इसी गैंग के हैं ये बैंड जो है, बैंड के एसोसिएट्स हैं ये, बम्बैया ग्रुप के हैं। और इसमें एक और अरेस्ट हुई है, इसी तफ्तीश में पता चला बल्तेज नाम के व्यक्ति की जो हमने पूछताछ के लिए देखा तो उसके पास से भी हमें एक और पिस्टल मिला है, 30 बोर का पिस्टल और 5 कार्ट्रिज से हमें बरामद हुए। ये अभी तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं और कि क्या किस लिए था, क्यों पिस्टल रखा था, ये अभी और चीजें जा रही है। भक्ता फायरिंग हुई थी यहाँ बठिंडा में, उसमें ही वॉज वॉन्टेड, 307 का FIR रखा। सर इसमें कोई बिश्नोई या उनके और कोई मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट लग रही है आपको या उनको नामजद करने के सोच रहा है? अभी डिटेल क्योंकि कई सारे तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, आपने देखा ना बताया ही, कुछ मर्डर्स हम लोग प्रियम कर पाए, कुछ चीज़ों को अनेबल कर पाए हैं, इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है, कई टीम और बनाई जा रही है और इस पर हम लोग काम करेंगे, कई चीज़ें हमें कामें भी और मिलेगी। इस कितना टाइम लगे सर मोगा पुलिस को है? ये 2 तारीख घटना है जी, आज थोड़े सामने आ पाए, 6 दिन के अंदर काफी सारी चीजें अनवेल कर पाए हम लोग। सर बेअंत सिंह